नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कपिल गुर्जर और आप देख रहे हैं टेक्नो स्पोर्ट्स। दोस्तों, ये पार्ट टू वीडियो है फैंटेसी क्रिकेट बेसिक्स का। इस वीडियो में हम फैंटेसी पॉइंट सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपने चैनल का इंट्रोडक्शन भी देने वाला हूँ और मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस ऐप से अर्न करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जब आप लेफ्ट मेनू के अंदर जाते हैं दोस्तों, तो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम करके एक सेक्शन है जिसपे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट्स बताता है जो आप अर्न करने वाले हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आप कोई भी मैच खेलने वाले हैं तो उससे पहले इस सेक्शन को भी एक बार देख लें ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन से प्लेयर्स बेनिफिशियल होते हैं। जैसे ऑलराउंडर्स होते हैं वो सबसे बेनिफिशियल होते हैं, तो क्योंकि वो बैटिंग में भी पॉइंट्स अर्न करने वाले हैं और बॉलिंग में भी पॉइंट्स अर्न करने वाले हैं। जैसे बैटिंग सेक्शन में तो मैक्सिमम पॉइंट्स सेम ही रहते हैं सेक्शंस में, पर जैसे बॉलिंग सेक्शन है उसमें एक विकेट करके है। ओडीआई में आपको 12 पॉइंट मिलते हैं अगर कोई बॉलर विकेट लेता है तो, और T20 में सेम अगर बॉलर विकेट लेता है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि स्टंपिंग के भी पॉइंट्स होते हैं, कैचिंग के भी पॉइंट्स होते हैं और कॉटन बोल्ड भी अगर होता है तो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो हर चीज़ के पॉइंट्स है। अगर कोई बैट्समैन रन भी लेता है तो आपको 0.5 पॉइंट्स मिलते हैं उस रन पे। तो ये था फैंटेसी पॉइंट सिस्टम के बारे में। अब मैं अपने चैनल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये चैनल पे टेक वीडियोस एंड ड्रीम इलेवन के बारे में वीडियोस आने वाली है। ड्रीम इलेवन में कोई भी न्यूज़ हो सकती है मैच के बारे में या प्रीव्यू हो सकता है, तो उस तरह की न्यूज़ ड्रीम इलेवन के लिए आएगी। एंड टेक वीडियोस के में प्रोडक्ट रिव्यूज़ हो सकते हैं, कोई टेक्निकल वीडियोज़ भी हो सकती है, वो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक टिप्स की बात है दोस्तों, मैं कुछ टिप्स भी आपको देना चाहूँगा जो आपकी हेल्प कर सकता है इसमें अर्न करने के लिए। जैसे करेबियन प्रीमियर लीग का कोई मैच हम ले रहे हैं, इसमें आप जैसे ही आपने टीम बना ली है दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी लीग को 4 घंटे पहले ज्वाइन कर ले डेडलाइन से पहले, तो वो आपके लिए आपके चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे जीतने के। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी कोई गारंटी है आप जीतेंगे जीतेंगे, पर चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो मतलब अपनी डिफरेंट अकाउंट से 6-6 टीम बना के कॉन्टेस्ट में उतारते हैं। ग्रैंड लीग्स में हो गए या कुछ सिंगल लीग्स में भी होते हैं, वो उनका फिक्स होते हैं, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं, मतलब हर एक वेबसाइट को हर चीज़ को चेक करेंगे, तो वो ग्रुप्स उस समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अगर 4 घंटे पहले अगर लगाते हैं तो आपके जीतने के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। और एक टिप और मैं जरूर देने वाला हूँ, कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे भी हैं जिसमें आपके जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे अगर आप अच्छे से अपनी टीम बनाते हैं दोस्तों। इनमें जैसे ये कॉन्टेस्ट है, एंट्री फीस की 33 है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसमें 11 टीम रहने वाली है। यू कैन रिजॉइन दिस कॉन्टेस्ट विद मोर देन वन टीम। ये आप इस कॉन्टेस्ट के अंदर मोर देन वन टीम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैक्सिमम 6 टीम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टोटल इस कॉन्टेस्ट में 11 टीमें हैं और 6 टीमें अगर आपकी रहती हैं तो बाकी 5 टीमें बचती हैं दोस्तों, और आप वो 6 टीम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं और विनिंग प्राइस जैसे 267.33 है। तो अगर आपने टीम डिफरेंट वेरिएशन की बनाई है तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं जिसमें रैंक 1 और रैंक 2 और रैंक 3 तीनों ही आपकी हों। तो ये सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा है पैसे कमाने के लिए। ऐसा ही सेगमेंट ये एंट्री फी 66 वाला भी है, इसमें भी सेम यू कैन रीजॉइन दिस कॉन्टेस्ट विद मोर देन वन टीम्स। तो ये थी टिप्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं पैसे अर्न करने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।